हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बालक कृष्णा कंपनी ने जो भी इंटरिम डिविडेंड क्लियर किए हैं, जो भी रिकॉर्डेड फिक्स किए हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। कंपनी की आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, 11 नवंबर को आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। कंपनी ने इसमें इंटरिम डिविडेंड क्लियर किया है 4 रुपीज पर इक्विटी शेयर। कंपनी के शेयर का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 2378 रुपीज के अराउंड। तो इस हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो बनता है 0.16% कह रहा हूँ। अब देखते हैं रिकॉर्डेड क्या फिक्स की गई है। देखिए, कंपनी ने जो रिकॉर्डेड फिक्स की है वो की है 19 नवंबर, बट इस दिन हॉलीडे है इसलिए रिकॉर्डेड बनेगी 18 नवंबर। जो एक्स डिविडेंड डेट है वो बनेगी 17 नवंबर और जो लास्ट पेइंग डेट है वो बनेगी 16 नवंबर। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको यह शेयर 16 नवंबर जो उससे पहले खरीदना होगा, तभी यह शेयर 18 नवंबर तक आपके डीमैट अकाउंट में आ पाएगा और आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। डिविडेंड लेने के लिए आपको यह शेयर 17 नवंबर जो उसके बाद बेचना होगा। अगर आप 17 नवंबर को भी शेयर को बेचते हैं तब भी डिविडेंड आपको मिल जाएगा। ओके, अब देखते हैं डिविडेंड पे करने की डेट क्या फिक्स की गई है। देखिए, डिविडेंड पे करने की डेट कंपनी ने डिक्लेरेशन के बाद विद इन 1 मंथ रखी है। डिक्लेयर डिविडेंड आज हुआ है 11 नवंबर को, तो हो सकता है 11 दिसंबर तक डिविडेंड आपके अकाउंट में पे हो जाए। ओके फ्रेंड्स, अगर और कोई अपडेट होगा तो हम आपको बता देंगे। हमारी और ज्यादा वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।